जो सियासी जाजम पे तो कई बार सुनने को मिलता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है सबसे बड़ा सवाल है। एक दूसरे पर कीचड़ तो उछाला जा सकता है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं बताता। हम बात कर रहे हैं महिलाओं से जुड़े अपराध, महिलाओं से जुड़े छेड़छाड़ की घटना हो चाहे रेप की घटनाएं हो, हर प्रदेश के अंदर अपोजिशन की पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती है। लगता यह है कि शायद ये महिलाओं के सबसे बड़े, यूं कहूं कि शुभचिंतक है, लेकिन जिन राज्यों में उन्हीं की पार्टी की सरकार होती है वहां क्या होता है? वहां कुछ नहीं होता, वहां भी वही होता है जिस जगह वो नारे लगा रहे होते हैं। तो इसे वास्तव में किस तरह से देखा जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं तो बहन बेटियां हैं, वो माताएं हैं, किस तरह से सुरक्षित महसूस कर सकें, क्या रखना चाहिए उन्हें ख्याल, क्योंकि कभी कैब के नाम पर, कभी मोहल्ले में, कभी आजकल जो सोशल मीडिया एप्स हैं उनके जरिए बहुत सारी ठगी हो रही है। और जब से रेप के केसेज में सख्त सजा का ऐलान किया गया है उसके बाद में सबूत ही ना बचे तो बच्चियों का मर्डर और कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ दीप्ति सिंह जी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, वो जुड़ी हुई हैं, ममता शेखावत जी समाजशास्त्री हैं, वो जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर साहिल त्रिवेदी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी का स्वागत है। दीप्ति जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिये सियासी या कहूं सियासत के जो हुनरकार हैं वो तो
शब्दों की चित्रकारी बहुत ही अच्छे तरीके से मुद्दों को बना करके करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उससे होता क्या है, कुछ नहीं होता, केवल हल्ला मचाया जाता है, जिससे ये लगता है कि देखिए कितने अपराध नहीं करने की तरफ हमें बढ़ना है, जिसे ये कानून जो भी है ये साइड रहे और हम एक ऐसे समाज में जिए जहां बच्चियां बेखौफ जी सकें अपने लिए। जैसे लड़के रात को घूमते हैं तो कभी उनके लिए डर नहीं लगता माता पिता को, लेकिन अगर बच्चियां घर से बाहर शाम को 6-7 बजे के बाद भी बाहर होती हैं तो एक जो डर एक दहशत घर के अंदर होता है वो जिनके पास बेटियां हैं जिनके घर में लड़कियां हैं उनको ही एहसास हो रहा है, जो मैं अभी कह रही हूँ। आपके जो जो सवाल है कि ऐसे में क्या सरकार कुछ इस तरीके का करती है, सिर्फ कहती है कुछ नहीं होता, इसमें देखिए थोड़ी सी चीजों को हम लोग अगर देखें योगेश जी तो चीजें बदली जरूर है। समय से आज हम सारी महिलाएं इस टीवी के स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये इस बदलाव का एक बहुत बड़ा ज्वलंत एग्जाम्पल है कि चीजें बदली हैं हम लोगों को। हाँ ठीक है, अब समय से जो दास्ता का जो प्रतीक रही है महिलाएं कि आप घर में पल्लू डालकर और रोटी कपड़े में ही लगे रहें आप बाकी काम ना करें, उन सब चीजों को करते हुए भी अगर हम घर से बाहर आज टीवी के स्क्रीन पे बैठे हैं और आपसे इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो बदलाव आया है और ये समय के साथ थोड़ा और बदलाव आने की जरूरत है। इसमें ट्रेनिंग बेसिकली घर में लड़की और लड़के को एकदम बराबर से देने की जरूरत है। जितनी लड़कियां असुरक्षित हैं तो कारण कहीं लड़के हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हमारे और भी बहनें बैठी हैं, कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई समाज में समाज सेविका है, तो मुझे ये लगता है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि इसकी पहल घर से ही करें और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाए जिसमें कानून की जरूरत ही ना हो। पर ये मालूम है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कानून जितना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है लड़कियों के प्रति अपराध भी और जघन्य हो रहे हैं। आप देखिए कि जैसे आपने शुरू में ही कहा कि कानून बहुत सख्त होता जा रहा है ऐसे किसी मामले में, जैसे रेप हो गया छेड़छाड़ के मामले में, अब इससे बचने के लिए भी लोग क्या करने लग गए हैं, लड़कियों को महिलाओं को रेप के बाद मार देते हैं और बहुत ही विभत्स तरीके से मार रहे हैं। आप देखिए कई ऐसी घटना, श्रद्धा की घटना आ गई अभी पीछे से, 2-4 और अलग अलग हमारे राज्य से इस तरीके की घटनाएं आई जहां बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की गई, मार के उनको कई टुकड़ों में काट के फ्रिज में या नमक डालकर इधर उधर फेंके गए। तो ये सब मुझे क्या लगता है कानून जितना ज्यादा सख्त होता जाएगा अपराध उस लेवल से और ऊपर बढ़ता जाएगा। तो कहीं दोनों तरफ नरमी की जरूरत होती है और इसीलिए आप देखिएगा कि कोर्ट में आजकल मीडिएशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, एमिकस क्यूरी रखे जाते हैं। रीजन ये होता है कि हर चीज कानून की नजर में या कानून की तरफ देखकर आप पूरा नहीं कर सकते, सामाजिक व्यवस्था को ही ठीक करना होगा, इसके ढांचे को ही ठीक करना होगा, जिससे धीरे धीरे जो है कानून एक साइड रहे। लेकिन पहले ही हम लोगों को लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, पाप है। जैसे आज भी हम जैसे बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारे कोई भी पैर के नीचे कोई पेपर पेंसिल आ जाता है तो हम ऐसे करते हैं। हमें ये समाज बनाना है कि ये लड़की है इसको हम गलत तरीके से नहीं देखेंगे, ये पाप है, अपराध ही नहीं है, ये एक ऐसी बात है जिससे हमें ऊपर जाकर इसका हिसाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर हम उस समाज का निर्माण कर पाए
तो शायद ये सारे सख्त जो कानून है जिसकी वजह से और भी हमारे ऊपर लड़कों के जो नजर है अलग हो गए हैं कि अब तो जो कर रहे हैं कर ही रहे, साथ में सबूत मिटाने के चक्कर में बॉडी तक को उन्होंने डिस्पोज ऑफ करने के कई तरीके पढ़ लिए, निकाल लिए। अब उससे मुझे ये लगता है कि असुरक्षा जो है थोड़ी और बढ़ गई है। बाकी हमारी और महिला मित्र और महिला बहनें बैठी हैं, ये इस पे जरूर कुछ कहेंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हर बार हम सिर्फ कानून की तरफ एक नजर उठाकर देखें या सिर्फ कानून की तरफ हर बात छोड़ दें वो सही नहीं है। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचे, इसका निर्माण बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चलिए, सामाजिक व्यवस्था बहुत जरूरी है, उसका निर्माण की आवश्यकता है। और ये कोई ना कोई एक वजह जरूर रही है कि हम वेस्टर्न कल्चर या फिर एकाकी जो जीवन जीने की एक हमारे परंपरा बन चुकी है, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उसमें रोका टोकी ये सब। आज की जो नई जनरेशन है बहुत स्मार्ट जनरेशन है, लेकिन आज की जनरेशन को टोकना, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करूं, आप मोबाइल के लिए भी अगर टोकते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। अगर वो रात को कहीं पे जा रहे हैं तो वो बोलिए क्या काम है आपको, काम था मुझसे, तो बड़े बुजुर्ग देखते हैं कि ठीक है जाके आइए आप। ममता मैम के पास में जाना चाहूंगा, मैम क्या लगता है आपको, देखिए सियासी मुद्दे तो चलते रहेंगे लेकिन समाज, जैसे मैंने कहा कि सियासत करने वाले लोग भी इसी समाज का एक अंग है, लेकिन वास्तव में कहीं हमें कुछ सामाजिक ताने बाने में भी इसका हल ढूंढने की आवश्यकता है। बिल्कुल योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। समाज में भी हमें बदलाव की जरूरत है। समाज में बदलाव एक बहुत छोटे स्तर पर नहीं हो सकता, इट हैज टू टेक प्लेस ऑन अ ग्रैंड लेवल एंड इट हैज टू बिगिन फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। देखिए ये एक ताना बाना है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बच्चों को ही नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि उन्हें ही सब समझना है। पेरेंट्स हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें भी समझना है कि सब कुछ आसपास ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, सारी चीजें आ रही है, तो हम उनको दरकिनार नहीं कर सकते। तो हमें एक बहुत ही बैलेंस तरीके से हमारे बच्चों को इस तरह से अपब्रिंगिंग करनी है कि वो चेंज को बहुत इजीली एक्सेप्ट करें, साथ ही वो अपने संस्कारों को कभी ना भूलें। और घर बच्चा जब छोटा है उसकी जो मानसिकता है, जो एक साइकोलॉजिकल यू नो इम्पैक्ट होता है वो बहुत अर्ली चाइल्डहुड से होता है। तो उस टाइम जो माता पिता हैं, विद्यालय हैं, आसपास हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो उस टाइम उन्हें अपने संस्कारों से कनेक्टेड रखते हैं तो बच्चा उसकी जो सोच है वो बहुत अलग तरह की होती है। तो ये बहुत पेरेंट्स की जिम्मेदारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और साथ ही स्कूल का रोल भी इसमें बहुत अहम होता है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक स्तर पर ओनली पेरेंट्स नहीं बल्कि हमारी स्कूल्स हैं, आसपास के लोग हैं, और जो मीडिया है, देयर नथिंग कैन बी बेटर देन मीडिया, जो ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां हम ये समझते हैं कि इन चीजों की जरूरत है। तो इस तरह के मुद्दे उठाते रहने चाहिए सो दैट दे रीच टू अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल। तो पूरे बड़े लेवल पे हमें इस ताने बाने को रखना है, आधुनिकता को बिल्कुल दरकिनार ना करके, लेकिन हमें संस्कारों के साथ अपना जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसको भी नहीं छोड़ना है। तो एक बहुत ही बैलेंस तरीके से हमें ये सब चीजों को एक्सेप्ट करना है, और तभी हम देखते हैं कि आई थिंक जो माइंड है वो बहुत अलग तरीके से पॉजिटिव, बच्चे की अपब्रिंगिंग जिस तरह की होगी वो बड़ा होकर उसी तरह से बिहेव करता है। तो समाज, परिवार, माता पिता, हम सबका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये एकदम मालूम है कि इस सफर में जान सुरक्षा थोड़ी सी हमें चुनौती है कि हमारी जान सुरक्षित रहे। किसी भी सफर पे अगर आप जाते हैं ये लगता है कि एक्सीडेंट के चांस ज्यादा हैं, लेकिन आपको सुरक्षित बनकर के रहना है, क्योंकि उस आशंका के जरिए आप पे अपना सफर तो नहीं छोड़ देंगे, आपको जाना भी है जरूरी जगह। तो केवल ये कि दरिंदगी की घटनाएं होती हैं, कोई किसी प्रदेश का नाम बदल देता है, तो उन घटनाओं से ये तो नहीं कर सकते हैं कि बच्चों का पढ़ना लिखना बंद करा देंगे या कहीं पे जा नहीं सकते, रिलेटिव्स में नहीं जाएंगे, ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन सबके बीच एडमिनिस्ट्रेशन ठीक अपना काम करेगा, दरिंदगी करने वालों को निकाल के भी लेके आ जाएगा, सलाखों में डाल देगा, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, जो भी सजा मुकर्रर की जाएगी वो मिल भी जाएगी, लेकिन आपको भी एक मानसिक पीड़ा होती है जिस दिन तक वो सजा होती है। सजा के बाद में अपील होगी, इसको प्रेस्टीज से आप जोड़ नहीं सकते कि अब तो मेरा प्रेस्टीज पॉइंट है, इसको बिल्कुल लटका के ही छोड़ूंगा, वो भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन इस दरमियान, इस पे मैं दीप्ति जी से पूछूंगा लेकिन पहले साहिल जी के पास में जाना चाहूंगा मैं, इस दौरान भी काफी एक मानसिक तनाव के दौर से वो विक्टिम गुजरते हैं, वो परिवार गुजरता है कि कल को ऐसे दरिंदगी वाले
कोई दूसरा कुछ तो नहीं कर, अनहोनी तो नहीं कर देंगे हमारे साथ में, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं। उस डर से बचने के लिए या उस डर का साया भी हमारे तक नहीं पहुंचे, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें ताकि ये महसूस कर सकें कि वी आर सेफ। तो साहिल मैम क्या करना चाहिए उसके लिए? पहले मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, विक्टिम ही नहीं, जैसे आपने देखा निर्भय का केस हुआ या अभिज वाला है या सुटकेस वाला है, जितने भी केस हुए हमारा पूरा देश सहम जाता है और हम के घर में एक एक बच्ची आए हैं, एक एक दो दो, तो हमें लगता है कि कल को कहीं हमारी बच्ची के साथ ये दुर्घटना हो जाए, 5 मिनट बच्ची लेट है, रोज के अखबारों में इस तरह की खबर पढ़ के हमारा पूरा देश सहम जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। परसों में एक स्कूल में सेशन ले रही थी और वहां पे मैंने बच्चों से पूछा कि आप बड़े होके क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ। लोगों के गोल साथ उनके पास एक स्टेटमेंट था बच्चों के पास कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, मतलब वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट, हम एक मॉरल वैल्यूज पर वर्क नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा आपके पास बहुत सारे पैसे हैं एंड यू आर नॉट फिजिकली फिट और यू आर नॉट फिजिकली मेंटली फिट, तो आप अपने पैसे का क्या करेंगे? मतलब अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम है रूट से, उस पर काम करने की जरूरत है, उसको बच्चे को मॉरल वैल्यू, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक ज्ञान और नैतिक वैल्यूज पे वर्क करने की जरूरत है। अगर मैं देखूं कि जो इंसान रेप करता है वो बाहर वाली लड़की के साथ ही क्यों करता है, वो घर में तो ऐसी गलती नहीं करता, ग्रोथ ऐसे है कि उसकी गंदी जो सोच है वो बाहर ही जाती होती है ना। मतलब एक इंसान में छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को ड्रिंक करके मारता है अपनी माँ को तो नहीं मारता है ना, तो मतलब रेप बाहर जाके, मतलब वो घर में कुछ महिलाओं को बहुत सम्मान से देखता है, तो उसका मतलब है कि हमारे जो रूट्स में मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम, पैसे कमाने का एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि आपको बहुत पैसा कमा रहे हैं, बच्चों को 99% बनानी है, लेकिन कोई भी स्कूल, कोई भी एजुकेशन सिस्टम बच्चों को ये नहीं बोलता कि हम ह्यूमन बींग बने। साहिल मैम मैं लौटूंगा आपके पास, आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा। साहिल मैम मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है, मैं लौटूंगा वापस आपके पास में, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। मैं दीप्ति जी के पास में जाना चाहूंगा तब तक। दीप्ति जी ठीक है, किसी ने हिम्मत दिखाई, मुकदमा दर्ज करा दिया, मुकदमे के बाद में गिरफ्तारी भी हो गई, गिरफ्तारी के बाद में चालान पेश हो गया, ट्रायल में चलता रहा मामला। ऐसे केसेज में कभी कोई अपनी दुख या मैं कहूं कि पीड़ा बयां कर पाता है कि साहब कहां फंस गए हम? क्योंकि मैं एक जयपुर का एक वाक्य मैंने अपने कानों से सुना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर माँ और बेटी रिक्शे से जा रही थी, वो माताजी पूरे टाइम उसको यही समझा रही थी कि कोई फायदा नहीं, कितनी पैसियां पे हम चले गए, चप्पल घिस गई हमारी, क्या मिलने वाला है, वो घूर घूर के और देखते हैं हमारे को हर पेशी के ऊपर। तो ऐसे कुछ केसेस आते हैं? आवाज थोड़ी स्लो आ रही है मैम आपकी, दीप्ति जी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी जी। तो जो हमारा हमारी सिस्टम जो है, हमारी न्याय प्रणाली थोड़ी स्लो जरूर है, मतलब यहाँ कहते हैं कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको कानून के पास आकर अपने लिए मदद की गुहार मांगनी है या न्याय मांगना है। देखिए जो नजरिया है हम लोगों का थोड़ा अलग हो जाता है, हम लोग ये कहते हैं आप जब आवाज उठाते हैं तो आपके साथ तो जो होना था हो गया, फर्दर किसी और के साथ ऐसी घटना ना घटे, लोगों को एक एग्जाम्पल हो, एक डर बैठे दिमाग में, इसके लिए हमें आगे आना चाहिए। हम जिस भी पीड़िता को देखते हैं हम उनकी वो समय, उनका वो अस्मिता लौटा नहीं सकते। कानून के अंदर देखिए बार बार उनको उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं, बार बार उनको कई एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कई बार मजिस्ट्रेट उनसे बहुत ऊल जुलूल सवाल करते हैं, ये सारी चीजें, ये जो प्रोसेस है बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन ये बहुत हिम्मत की बात होती है कि कुछ लड़कियां डटी रहती हैं। आपको पता होगा, पता नहीं, मैं अभी आपको जरूर बताना चाहूंगी कि मात्र 25% जो कोर्ट में केस आते हैं वो रह जाते हैं, 75% 6-7 साल के अंदर अंदर विड्रॉ कर लिए जाते हैं कोई भी रीजन से, चाहे सामने वाला धमकी दे रहा हो या आपके चप्पल घिस गए हो या आप थक गए हो, तो ये होता है। लेकिन मैं उन 25% महिलाओं को सैल्यूट करती हूँ जो समाज में अपने दर्द को किसी और बहन के साथ ना हो उसके लिए वो डटी रहती हैं, खड़ी रहती हैं कि उनको एक एग्जाम्पल पेश करने को मिले और आने वाले समय में कुछ और बच्चियां जब उनके साथ कोई ऐसे हादसे हो तो अपराधी जरूर डरें कि उनके साथ बुरा होगा। देखिए अभी निर्भया के लिए हम लोग बात कर रहे थे, उसके जैसे कई और हमारे यहाँ घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी वो डर
वो जो होना चाहिए था, जो दिमाग में अपराध के बाद एक कानून का जो डर होता है, शायद अभी मिसिंग है। रीजन यही है, आज हमारे यहाँ आबादी जितनी है उस लेवल पे हमारे यहाँ कोर्ट की कमी है, हमारे यहाँ ट्रायल बहुत स्लो चलता है। पॉलिटिकली आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, एजेंडा जो है वो एजेंडा भी हम लोगों को जरूर समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हर एक परिवार किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफेक्टेड है या उनसे इन्फ्लुएंस्ड होता है या उनके साथ उनकी जान पहचान होती है, और ऐसे पार्टीज भी कई बार फोन करते हैं कोर्ट में, पुलिस में, जिससे कुछ मामले और स्लो पड़ जाते हैं। देखिए जो मामले टीवी पे ट्रायल पे चले जाते हैं ना, वो कहते हैं मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, वो थोड़े फास्ट हो जाते हैं। निर्भया को भी न्याय शायद तब मिल पाया क्योंकि टीवी का ट्रायल शुरू हो गया था, वो मामला ही तब सामने आया कि जब मीडिया ने उसे हाईलाइट किया। अदरवाइज तो कितनी निर्भय है, उनके केस ऐसे दफन हो जाते हैं, मालूम भी नहीं चल पाता है ऐसे उससे। और मैं आपकी बात के बीच में एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो सियासत के हुनरकार हैं और शब्दों के फनकार हैं, खासकर एक दूसरे के लिए बोलने वाले, उन लोगों के सोचना चाहिए कि बजाय सड़क पे हंगामा करने के, उस पुलिस को जो कुछ काम करे उसको भी उलझा के रखते हैं दिन भर, उससे बेहतर हो कि हमारे सिस्टम को दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। हम उन नेताओं पे बंदिश लगाए हैं जो किसी के लिए भी बिना उसके कैरेक्टर के पूछे फोन टिका करके रख देते हैं कि साहब बच्चा हो गया, गलती हो, देखना अपना ही आदमी है, ये कहना खत्म करें। 25% केस जिनको हम महिलाओं को सैल्यूट करते हैं, 75% सिस्टम से पीड़ित होकर के वापस केस ले लेती हैं, उन लोगों के लिए वास्तव में अगर सच्चे वास्तव में समाज के हितैषी, उन महिलाओं के हितैषी, तो उन राजनीतिक दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि सिस्टम को दुरुस्त कैसे किया जा सके। सरकार सबकी आती है, कहीं एक स्टेट तो बानगी के रूप में आप बना करके दीजिए कि हमारी सरकार उस राज्य में है, वहां ऐसा नहीं होता है। कोई कह सकता है, दावा कर सकता, कोई नहीं कर सकता। उसके बाद में आप किसी को अंदर कर देंगे, सरेआम कुछ भी कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, वापस लौट के आ जाएगी उसकी इज्जत। महिलाओं की अस्मिता और इज्जत के साथ पॉलिटिक्स ना करें तो अच्छा है। कि आज आपकी ऑपोजिशन जो होते हैं उनको याद आ जाता है कि अच्छा इस टाइम पे महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ हुआ। पर देखिए खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू खरबूजे पे कटता तो खरबूजा, महिलाओं के साथ यही है। कोई भी सरकार आए कोई जाए, अपने लिए वो ताली बजवाते हैं, एक ऑपोजिशन पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी गलतियां गिनाने में लगते हैं। हमें तो चाहिए कोई भी हो, महिलाओं के लिए अपने लिए एक ऐसी जगह, एक ऐसा समाज बनाकर दीजिए। आपके साथ कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, आप सबके पास सब कुछ इक्विप्ड है। हमारी सरकार इतनी बड़ी भी आबादी नहीं है, अगर क्षेत्र को बांटा जाए थाने क्षेत्र को, तो आप इतना जरूर वहां पे सक्षम वहां पे हो सकते हैं कि वहां के एरिया में लड़कियां जब रात को चल रही हैं, शाम को चल रही, देखिए कोई मजबूरी में ही चल रहा होता है, रात में अगर लड़कियां बाहर जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो समाज आज है कि उसको भाई सुरक्षा दीजिए। आप ये ताली नहीं बजा सकते कि देखिए हमारे समय में तो लड़कियां जो था रेप के जो केसेस थे मात्र 20 आए थे, आपके समय में 100 आए, इससे हमारे साथ महिलाओं के साथ क्या भला हो गया। आप उंगलियां उठाइए एक दूसरे पे, आपके लिए पॉलिटिक्स हो सकता है पर महिलाओं की इज्जत और अस्मिता के साथ पॉलिटिक्स ना करें तो अच्छा है। आप एक स्वस्थ समाज बनाएं। जी बिल्कुल, मैं साहिल जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं एजेंडा आपके सामने हमने रखा और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के उस तबके को हमें जागरूक करने की आवश्यकता है कि जिसकी जड़ में जा सके कि हाँ वास्तव में खोट कहाँ है जिसे हम दुरुस्त कर सके। सर मैं सभी मतलब मेरी बहनें बैठी हैं साथ में, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें, ऐसे बच्चों को, अपने बेटों को ऐसे संस्कार दें कि बेटियों को ये नहीं कहे कि रात को लेट ना जाओ, बेटों को ऐसे संस्कार दें कि सड़क पे कोई बच्ची अकेली है तो कोशिश करें उसको घर पहुंचाने की अगर आपकी जानकार है, या उसको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो मदद करने की, ना कि हम ये संस्कार दें बेटियों को रोके कि आप छोटे कपड़े मत पहनो, रात को बाहर मत जाओ। एक तरफ हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि आप रात को बाहर, तो हम सभी मतलब हर घर में एक माता है और एक बेटा माता से जन्मा है, तो बेटियों को ऐसे संस्कार दिए जाएं कि प्रत्येक महिला सम्मान्य है, क्योंकि हम ऐसी देश की नागरिक हैं जी, जहाँ भारत को माता, माता नदियों को माता, सबको माता के रूप में सम्मान दिया जाता है, और हमारे घर में भी बहन बेटी और माता है, तो रूट से जीरो से बच्चे जब पैदा हो सबसे काम करने की जरूरत है। स्कूलों में भी इस तरह की एजुकेशन सिस्टम को देने की जरूरत है कि आपको अपनी जितनी भी आपकी क्लासमेट है उनको रेस्पेक्ट देने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हम हर लड़की से लड़के को राखी बंधवाएं, जरूरी नहीं है, सम्मान बिना राखी के भी हो सकता है।
जरूरी नहीं है हम घूंघट पर्दा पहन के घूमे। मैंने देखा है घूंघट सबसे बड़ी बात है। साहिल में, साहिल में समय समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है, मैं माफी चाहूंगा। मैं जी 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 सेकंड ममता जी के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है। आप सही कह रही है, नजरिया बदलने की आवश्यकता है। और मैं ये कहूंगा कि पहले ये कहा जाता था कि देवी के रूप में होती है महिला। अब मैं कई बहुत सारी महिलाओं से बात करूं, दीप्ति सिंह जी जब हमारे साथ जुड़ी थी तब उन्होंने पिछले किसी एपिसोड में कहा कि नारी को नारी रहने दीजिए, उसे देवी मत बनाइए। वो जो हक है उसका यही है कि रेस्पेक्ट से बात करें और रेस्पेक्ट से आपका नजरिया होना चाहिए। मुझे लगता है कि नजरिया समाज का नहीं बदलेगा तब तक आप कुछ भी कहते रहें अंदर से सोच को। कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ममता मैम आपके पास में आना चाहूंगा और 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में हमें किस दिशा में जिस ओर जा रहे हैं। बंदिशें बहुत हैं, आप लोग जब आप स्कूलिंग और कॉलेज की होंगी तो मुझे नहीं लगता है कि परिवार के लोगों की वो बंदिश होंगी। सब बस ये है कि अच्छा बच्ची कॉलेज गई है, आ गई, अच्छा ठीक है बेटा चलिए। लेकिन आज तो ये होता है कि आप कैब से भी जा रही हैं तो मम्मी पापा तो भी पीछे से क्लिक करेंगे गाड़ी नंबर क्या है इसके। जमाना ऐसा ही है। ये केवल एक बात एक परिवार की नहीं है, कितने लोग इन घटनाओं से प्रभावित होकर के चलते हैं। कोई परिचित है और किसी के रिलेटिव के यहाँ का अगर कोई बच्ची आकर के बच्चा आकर के पढ़ रहा हो उनकी क्या स्थितियां हैं। मैं आजकल बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि साहब खुद की बच्ची भी है तो भी दूसरे के बच्चे की हमारे दोहरी जिम्मेदारी होती है कि सही सलामत घर लौट के आ जाए। एक एक दिन लोग इस तरह से काटते हैं तो किस समाज में जी रहे हैं। देखिए बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन हो गई है। हम अपने संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे जो भी पुराने समय से हम जो सीखते आए हैं, नारी का सम्मान करें, आदर करें। वैदिक काल से अगर आप देखें और वैदिक काल में जो महिलाओं की जो पूजनीय और जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजिशन थी वो धीरे धीरे नीचे होती जा रही है और कहने को हम बोल रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी पर आती है। आप हैं, मैं हैं, जो और जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं सभी, हम सबको एकजुट होकर इस तरफ बढ़ना होगा। जहां आपको दिखता है कुछ गलत है प्लीज रेज योर वॉइस, ट्रेन योर चिल्ड्रन इन सच अ वे कि वो बिल्कुल भी निडर होके, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उन्हें हमें बहुत ट्रेन करना है कि आप ये क्या गलत है क्या सही है। वो अपनी लड़कियां भी अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं, साथ ही उन्हें बहुत ही स्मार्ट और बोल्ड होने की भी जरूरत है। साथ ही लड़कों को हम ऐसे संस्कार दें कि लड़कियां हैं उनकी आपको जहां एक ह्यूमन बीइंग है, आपको इक्वल राइट इक्वल रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट और सेफ्टी आप अपने लिए फील करना चाहते हैं सेम यू हैव टू ऑफर टू देम। सो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है और जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे तभी समाज में हम परिवर्तन ला पाएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि नजरिया बदलने की आवश्यकता है। भारत के संस्कारों को दुनिया मान करके चलती है, हम हमारे संस्कारों को खो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता है कि छोटे कपड़े पहनने से आपके संस्कार खराब हो रहे हैं या अकेले घूमने से आपके संस्कार खराब हो रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बैठने से संस्कार बिल्कुल नहीं हो रहे आपके। लेकिन नजरिया उसी तरह का रेस्पेक्ट का होना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात कही थी साहिल जी ने कि राखी बंधवाने से ही बात नहीं है, आपका नजरिया भी बदलना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वाकई समाज में हल्ला मचाने से ज्यादा बेहतर होगा कि हम उस सिस्टम के खोट को पकड़ने की कोशिश करें और उसे दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज यही होगा कि खोट पकड़े नहीं पकड़े, आप हल्ला करके आपकी नियत में जरूर खोट है कि आप दुरुस्त नहीं करना चाहते हैं। मैं तो कहूंगा कि हल्ला मचाने से पहले कहीं पे भी जहां आपकी सरकार है वह एक उदाहरण तो कोई पेश करके दिखाए कि हाँ इस राज्य में हमारी सरकार और देखिए वहां पे क्या हो रहा है। एक बच्ची की तरफ को गलत निगाह से नहीं देख सकता। तो मुझे लगता है कि ये हल्ला मचाने का काम नहीं है, वास्तव में हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है उस भरोसे की जिसको हम वापस ला सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।